गुजरात चुनाव पर लगातार छठी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा कर लिया है और इस पल को जीतने वाला सिर्फ एक ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा जो ना तो बीजेपी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह हैं, ना ही बाहर जाने वाले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और ना ही राज्य के पार्टी अध्यक्ष जीतू भगानी, बल्कि वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। लेकिन इस चुनाव से एक बात तो तय है कि राहुल गांधी की जीत भी छोटी नहीं मानी जाएगी। एक तरफ जहां राहुल गांधी ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी का पदभार संभाल चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस ने क्षेत्रीय नेताओं से गठजोड़ किया, जैसे हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में सम्मानजनक प्रदर्शन किया है, तो आइए इस गुजरात चुनाव की लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं और 5 कारणों में इस चुनावी जीत के मायने जानते हैं। पहला कारण, भारतीय जनता पार्टी की जीत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई नहीं है, जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को अभियान में तब्दील किया, अपनी ऊर्जा और राज्य भर में अपने आक्रामक अभियान से भाजपा को गुजरात के साथ रखा। पीएम मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी नकारात्मक और गंभीर टिप्पणियां गुजरात के मतदाता अपने साथ बहा ले जाएं। दूसरा सबसे बड़ा कारण बीजेपी की जीत के पीछे ये रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवा का रुख नापते हुए वोटरों को गुजराती अस्मिता से जोड़ दिया। भाजपा के पक्ष में जब कोई लहर नहीं थी तो पीएम मोदी ने यह सुनिश्चित किया और बताया कि कांग्रेस पार्टी गुजरात विरोधी पार्टी है। तीसरा कारण, बीजेपी के खिलाफ कई और भी अभियान चल रहे थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था ग्रामीण संकट, जहां हमने ये देखा कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे कच्छ और सौराष्ट्र जैसे इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया। कई और कारण भी थे, जैसे GST और नोटबंदी, जिसे एक युग द्वारा परीक्षण किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोगों से अपील की और घर की इज्जत के बारे में बात की और कहा कि कैसे गुजरात के बाहर रह रहे गुजराती लोगों के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा अगर भाजपा दोबारा सत्ता में नहीं आई। चौथा कारण, कांग्रेस ने जहां चुनावी अनुमान को तोड़ते हुए 70 से ज्यादा सीटें जीती हैं और बेहतर प्रदर्शन किया है, तो वहीं इस प्रदर्शन के साथ राहुल गांधी पर जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। पार्टी के नए अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर जैसे क्षेत्रीय नेताओं के साथ मिलकर ये बताया कि वास्तविक लड़ाई हो सकती है, जो भाजपा का वास्तविक विरोध है। पांचवा कारण, 22 साल बाद भाजपा ने एक बार फिर से गुजरात पर फतेह किया है, जिसमें अगले साल होने वाले 5 चुनाव चुनौतियों के लिए मंच तैयार किया है, जिसमें से 3 प्रमुख राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच की लड़ाई अभी तो शुरू हुई है।